हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। क्या हाल है आप सबके? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं विनय भाई के पास, जिनको आप सब जानते होंगे। तो उनके 100K हो गए हैं, तो उनके सेलिब्रेशन के लिए उनके लिए केक कटवाने जा रहे हैं। मैं और अवनीश भाई अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं, तो अभी जाते हैं, पहले केक उठाते हैं, फिर अवनीश भाई को उठाते हैं, फिर चलते हैं, बाकी जो भी होगा वो दिखाते हैं आपको। चलो इस पे लिखना है कॉन्ग्रेचुलेशंस 100K। केक ले रहे हैं, फिर फटाफट चलते हैं अपनी भाई को उठाते हैं, फिर चलते हैं विनय भाई के बाद। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं भी अगले साल बिग बॉस में चला जाऊँगा। अगर आप सब लोग कमेंट करोगे कि अगले साल चला जाओ, मैं भी सोच ही रहा हूँ कि अगले साल मैं भी बिग बॉस में चला जाऊँ। होगा तो आप पीट नहीं दोगे? नहीं, कैसे पीट? Always eat और drink। कितने बहुत प्यार है संतोष भैया यार। कहाँ से? समस्तीपुर। भोजपुरी आती है आपको? कटिहार, समस्तीपुर। भोजपुरी आती है? अरे हमहू क्या हाल है भैया भोजपुरी। पेटीएम वो कर दो। हमारे संतोष भैया मिले हमें बिहार से, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो हवेली है, ये तो विनय भाई की हवेली है भाई। ये वाली तो मामा ताऊ की, ये तो मामा ताऊ की, तो सब लाइन से ही है सारा का सारा। विनय भाई के पास क्यों आए हम लोग? भाई तुम लोगों ने डिग्गी नहीं चेक करी थी ना? नहीं मैंने भी देखी। भाई 100 के हो गए क्या सुबह? पिघला नहीं है ना? हाँ जी भाई, कहाँ पहुँच गए भाई? हम पहुँच गए विनय भाई के घर पे। भाई का केक कटाने, भाई तुम लोग थोड़ा रख लो भाई। मैं पकड़ लूँ? नहीं, एक बार भाई पकड़ लेगा। ठीक है ठीक है। और जो नहीं भाई, हाँ एक नंबर, एक नंबर। ये गेट खुला ही होगा? अरे गेट नहीं, आराम से आराम से। क्यों, क्या कैमरा लगा है भाई? चालू भाई? हाँ बिल्कुल चालू। ये भाई हमारे विनय भाई का घर। ये रहने भाई, सेलिब्रेट। ये बड़े-बड़े 100 के का केक कटा के स्टोरी डालूंगा मैं। मुझे पता ही नहीं आप लोग लेकर आ रहे आपके पास। मैं अभी ने भाई कांग्रेचुलेशन 100 के हो गए आपके भाई। मैंने कहा स्टैंप भी आया था ना, बताया था ना, कोट पेंट पहन लेता हूं। मेरे को सुबह विनय भाई फोन कर रहे हैं, अरे मेरे 100 के हो गए, तूने स्टोरी। मैं भाई नींद में उठा, मैं भैया मेरे को पता नहीं चल रहा। बिहार में एक वो है खानसर, खानसर करके उसने 7,000 राखी बनवाई। तो 7,000 राखी बनवाई है? 7,000 राखी बनवाई उसने। अमित कुछ है ये भाई, बिना भाई के अगर नींबू पानी है ये मैंने। भाई अगर मैं बेशर्मों की तरह आता हूँ यहाँ पे तो भाई नींबू भाई है, जेन्युइन है जो आप बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं पिया आज तक। इसमें चीनी की जगह क्या मिलाते हैं भैया? खांड जिसको अभी हमने पीछे देखो भाई, और घर में नींबू से गुड़ नहीं, कोरी खांड नहीं आती। खांड क्या होता है? बूरा टाइप रिफाइंड शुगर होती है, ब्राउन शुगर। उसका उसका रॉ वर्जन होता है खांड, उसमें कुछ वो केमिकल नहीं मिला। भाई
कांग्रेचुलेशन भाई इस पर विनय भाई नहीं लिखा यार वो है क्या कोई नहीं आप चिको पा कोई बात नहीं अगर आप मुझे वहम वहम में कह रहे हो तो कोई बात नहीं भैया भाई इसने हैप्पी बर्थडे क्यों दे दिया 100 के का जन्म हुआ है ना 100 के का जन्म हुआ है बाबा आपने रास्ते में बताया नहीं कहाँ रहते और एकदम से यहाँ के सरप्राइज भाई तो भाई यही तो होता है यार व्लॉग में तुमको पहले से पता हो उससे बढ़िया मजा आ रहा है ना भाई मजा आना चाहिए अरे बहुत जेन्युइन यही ऐसे ही है इनके साथ फ्रैंक मत हो जाना बस मैं ये बोलूंगा नहीं तो गाड़ी के बीच में लगा हो गई क्या हाँ थोड़ा चलो चलो हैप्पी बर्थडे भाई भाई उससे भी ओके चलो भाई रेडी क्या बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन 100 के होने की खुशी में आज तो 100 के का तो हैप्पी बर्थडे में ठीक है कार्ड मारो इंस्टाग्राम के 100 के का मार दो फूंक भाई मुबारक हो विनय भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन भर भर के भेज देना हैंग हो जाना चाहिए फोन आज उनको बढ़िया कह दिया बढ़िया है भाई बढ़िया कह बढ़िया ना बढ़िया विनय भाई मुबारक हो भाई तुम लोग कितने गरीब हो मैं चम्मच लेके आया था वो अमीर जैसे करते ना चम्मच से एक एक बाइट ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं इससे खिला ऐसे बंदे क्या चम्मच लेके आए दस बंदे के पास चम्मच लेके आए हो थैंक यू भाई बहुत बढ़िया बढ़िया ना एक नंबर पिघल गया बस सॉफ्ट सा हो गया नहीं 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 जा जा वो कैसे भागा भाई के घर का टूर देते हैं नींबू का पेड़ भाई नींबू का ये किसका है भाई अच्छा ये वाला नारियल का पेड़ अभी अभी लगाया हुआ है नारियल का आपने नारियल का लगा क्या ये तो बहुत लंबा जाएगा अरे तो बच्चा है क्या लगेगा नहीं बहुत लंबा जाएगा ये नारियल का ये तो घी का लग रहा है मुझे ये वाला अंगूर ये क्या है छोटे छोटे यहाँ निकल भी रहे हैं कहाँ है कहाँ है ये अंगूर ये ठीक है ये बेल पत्र अच्छा ये है बेल पत्र का ये तेरी भिंडी रही ये तेरा है वो आंवला रहा भिंडी भी एक ही हो गई है ये आंवला है भिंडी है ये आंवले का ये भी हाँ भिंडी ये भी सही है ये आंवला का अंजीर देख वैसे घर के पीछे खेत देखने अंजीर है ये है अंजीर गूलर गूलर जिसे कहते हैं अंजीर का शेक पता है कितना बढ़िया रहता है अंजीर का शेक अंजीर है एक मिनट ये चलते से अंजीर यही है ये नींबू है हमारा अच्छा जिससे हमारे नींबू रखे गए गाली दे रही हूँ आपको अरे मुझे नहीं दे रही भाई चला जा डर गए थे वो पीछे लॉन में अंडा दे दिया किसी को पता नहीं चला वो फार्मर बोल रहा हूँ वो माली अपना काम करते करते ना उसने एक बार गलती से अंडे तोड़ दिए दूसरी बार दिए तो इसके बच्चे किस्मत से बच गए थे और सबसे गंदी बात पता क्या है इनको पता नहीं कि कौन बचा रहा है कौन मार रहा है चोंच तो मारती है ये वाले तो मारा नहीं पंजे मारती है द मोमेंट यू विल गेट क्लोजर टू देम ना वो मारेंगे हां क्या तो अच्छा लवी भैया ख्याल रखिएगा ठीक है ओके भैया तो भाई विनय भाई के वहां से निकल लिए थे अब आए थोड़ा कुछ खाने पीने इधर 31 के इधर 4x4 4x4
4x4 थार कहाँ है बाबा? जा रहे क्या? हाँ हमें सेक्टर 31 की मार्केट में। चौधरी बाबा जा रहे हैं? चौधरी नहीं नहीं इसका इसका चिकन बढ़िया है अरवन वाले का, बट बीच में इसने गंद कर दिया रहा। अरवन वाला मेरे नून का है। नहीं फिर तो बढ़िया है इसका। नहीं नहीं ये नून का है, सच में नून है। देखो अब यहाँ दो जगह है बहुत अच्छा, वो सिटिंग नहीं यहाँ पे भी है। एक चीज़ और, आप सबके DM आ रहे थे और रील पे भी कमेंट आए थे कि आप और अवनीश भाई एलविश भाई के मीटअप पे क्यों नहीं गए जो अभी हुआ था, तो खुद उन्हीं से ही पूछ लो क्या सीन हुआ था और कैसे नहीं गए। हाँ जी बाबा क्या हुआ? वैसे तो मैंने उसका डाला हुआ था एक्सप्लेनेशन। हुआ क्या था कि एक दिन पहले जब मीटअप की तैयारी हो रही थी ना तो मैं वहीं पे था। अब जिस दिन मीटअप की तैयारी हुई, आपको पता है मेरे घर में थोड़ा सा मेडिकल इशू चल रहा है किसी का, तो उसके मेडिकल इशू के चक्कर में मेरे को पहले जाना पड़ गया डॉक्टर के पास। हाँ जी भाई, डॉक्टर के पास से जब वापस आए ना तो गेट पे इतनी भीड़ थी कि सुनने में आने लगा कि वो गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऊपर चढ़ गए थे गाड़ियों पे। अब मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि AAA एक्सेस का पास लेना था। AAA एक्सेस का पास नहीं लिया, आगे पीछे पुलिस वुलिस थी, खट्टर साहब आ रखे थे। इन सारी चीजों के बीच में वहां पे लग गए जैमर। अच्छा अब भाई विनय भाई ने बोला कि मैं एंट्री करा दूंगा। मैं विनय भाई को फोन कर रहा, पहले तो वहां से आते आते मेरे को लेट हो गया, 4:30-5 बज गए रात को भाई, एक दिन पहले। हाँ हाँ तो 5 बजे तक भाई अब मैं जैमर के चक्कर में वहां फंसा रह गया कि भाई एंट्री कर देखूंगा, ये चीज करूंगा वो चीज करूंगा। भाई एंट्री अटक गई अपनी। अब भाई 6 बजे जब इवेंट एंडिंग पे था तो भाई हिसाब किताब अंदर घुसने वाला हुआ, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि वो यार जबरदस्ती का था। तो वो बेमतलब की बात। आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो सुनाई होगी, गाली सुन रहा था मैं भी। बाकी इन्फॉर्मेशन बाकी भाई ने ना पूरा एक्सप्लेनेशन अपने व्लॉग में डाली हुई है, उसका लिंक मैं डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लेना। विनय भाई ने खुद बताया कि क्या सीन हुआ अवनीश भाई के साथ। नहीं यार पता है बात क्या है, बस लोगों को यही कहूंगा कि चीजें ना बहुत बहुत सॉर्टेड चलती है और बहुत ऐसे चलती है कि यार मतलब देखो सब ना अपनी लाइफ में बिजी है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा अभी विनय भाई अभी काम किए, फिर वो अपना थके हुए वो रेस्ट करेंगे फिर काम पे। हम गए, हम मिलके चले आए। मतलब यार टाइम किसी के पास भी उतना नहीं, हमें भी काम करना है, उन्हें भी काम करना है। और उस चीज के बीच में ना यार एक होता है, एक भाईचारा वो बना हुआ है, लेकिन आप कभी भी ना एक गलत परसेप्शन जो होता है ना कि परसेप्शन बनाना, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं दिखाते, मीटअप होगा, मीटअप जो हुआ था ना भाई, मैं तुम्हारे भाई का भी बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, थे हम वहाँ। सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं होती, वही चीज मैं आपको बोल रहा था कि सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं होती, और कुछ चीजें हम भी मिर्च मसाला में रहने देते हैं। हाँ थोड़ी बहुत तो सुर्खियों में रहना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए भाई ये चीज थी, और बाकी जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है ना वो भाई ने अपने व्लॉग में डाली हुई है। अब जी मारो? अभी मैं तो अभी जा रहा हूँ काम करना, मैं जिम वही आपको 7:30 तक मिल जाऊंगा। हाँ मिलो फिर, मैं देखता हूँ, मैं रात को करूंगा फिर, रात को 11 के बाद ही करूंगा। आज सॉर्टेड हुआ क्योंकि मेरा फिर शायद जाने का थोड़ा हिसाब किताब हो सकता है। संडे कल भी आप जा रहे हो कहीं? कल तो है भाई, कल तो शाम को मिलते हैं जिम में। हाँ तो गाइस अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना कि व्लॉग कैसा लगता है, कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। और अगर आप यहीं तक व्लॉग को देख रहे हो तो आप सबको लव यू है।